तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग अभी यहाँ पर हैरो आर्ट सेंटर एंड देयर यू गो एक्साइटेड। Again to Hampton in England। तो भाई आज हम जा रहे हैं राहुल दुआ के शो पर और आज हमारा वर्क डे था तो हमने अपना काम जो है वो फिनिश कर दिया। आज 8 to 4 किया हमने क्योंकि हम लेमिंगटन स्पा में रहते हैं, उसका जो शो है वो हैरो में है तो यहाँ से 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। तो बस अभी मैं गाड़ी की थोड़ी तैयारी कर रहा था क्योंकि 1.5 घंटे की ड्राइव होती है तो थोड़ा गाड़ी में भी वो पानी वानी डालना पड़ता है ना स्क्रीन वॉश के लिए, यहाँ पे हाईवे पे मच्छर आ जाते हैं। तो अभी बस निकलने वाले हैं तो मैडम भी रेडी हो गई है आज मस्त एकदम। क्या बात है, मस्त लग रही है, जैकेट बड़ी मस्त लग रही है माइकल जैक्सन वाली। अभी गौरव ने भी मेरे को पहली बार देखा है ना, तैयार हो गई। हाँ, पहली बार नहीं रोज ही देखता हूँ, मतलब आज पहली बार देखा। ये चलो बहुत ही गंदे पीजेस मार रहा है, राहुल दुआ के शो पे जा रहे हैं, कुछ तो अच्छा सीख के आएंगे। हाँ, तो आज मौसम भी बहुत सही हो रहा है यार और तगड़ा मौसम है आज। अभी हमें कहाँ जाना, सबसे पहले हमें जाना है ऑक्सफर्ड, हमने मनमीत को पिक करना है वहाँ से। वो आज ऑक्सफर्ड गया हुआ था, उसकी जॉब होती है ऑक्सफर्ड में तो हम उसे वहाँ से पिक करेंगे और हम तीनों अभी तैयार व्यार होके निकल रहे हैं। 2 घंटे की ड्राइव है, फटाफट गाड़ी में बैठो और चलो यहाँ से। हाँ, बहुत लेट हो गए। तो अभी मैंने फाइनली कैमरा सेट कर लिया है और यार मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैकेट कुछ ज्यादा वो तो नहीं लग रही फ्लैशी टाइप, बेबी अच्छी तो लग रही है, कुछ भी बोलो अच्छी लग रही है। कहीं ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मैं चांद वांद पे जा रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसे ही लग रहा, वो अलग बात है, थोड़े एस्ट्रोनॉट टाइप लग रहे हो बट है ना, लग रहा है मुझे भी ऐसे फीलिंग आ रही है कि अभी मैं स्पेसशिप पे बैठ के सीधा रॉकेट में बैठ के सीधा चांद पे चली जाऊंगी। फिलहाल तो हम कहीं चांद पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपना शो देखने, कॉमेडी शो। और जैसे अब इंडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा यार स्टैंडअप कॉमेडीज जो होते हैं, जैसे राहुल दुआ है या फिर बस्सी है या और हर्ष गुजराल, आकाश गुप्ता, ये सारे जो टॉप वाले हैं इन सबके लोग देखते ही हैं यार। और जब हमें पता लगा राहुल दुआ आ रहा है तो यार मैंने कहा चलो भाई यहाँ तो जाना बनता ही है। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जो ये यहाँ पे कॉमेडी शोज इन्होंने स्टार्ट किया है। आई थिंक इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुके हैं ये शोज, तो हम सोचते थे कि जब भी इंडिया जाएंगे एक ना एक कॉमेडी शो जरूर हम कैच करेंगे। बट ऑब्वियसली यार अगर यहाँ पे आ रहे तो हम कैसे मिस कर सकते हैं, इसलिए हम मिस नहीं करेंगे और हम जा रहे हैं राहुल दुआ को लाइव देखने के लिए। तो अभी हमने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे क्यू एंड ए किया था और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट मोस्टली क्वेश्चंस ये आए कि अपनी लव स्टोरी शेयर करो, आप लोग कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये अपनी जो स्पेशल सी लव स्टोरी है। और पहले भी काफी लोगों ने हमें पूछा था, तो एक डील करते हैं, लाइक हमारे लिए भी स्पेशल होना चाहिए, आप लोगों के लिए भी स्पेशल होना चाहिए। बहुत चला गए, इससे बच के रहना। बिजनेस माइंड दोनों के लिए स्पेशल बनाते हुए हम ये कह रहे हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर्स होंगे और यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसमें हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे। तो यार प्लीज शो सम लव एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो 10,000 फॉलोवर्स चाहिए हमें इंस्टाग्राम पे और 50,000 ऑन यूट्यूब। तो भाई अनसब्सक्राइब मत करना, अनफॉलो भी मत करना। तो कॉफी आ गई है कोलंबिया रोस्टर्स। तो अभी जो मेरा भाई है वो इधर हो जा, यहाँ पे जॉब कर रहा है तो अभी हम उसे पिक करने आए। तो मैंने कहा यार कॉफी शॉप पे जॉब कर रहा है तो कॉफी तो पिलाएगा ना। हाँ, स्टूडेंट जॉब है भाई, अच्छी हाँ। मस्त जॉब है एकदम। चलो आ जाओ, और क्या लेके आयो? केक। आजा आजा आजा, मस्त अपना यहाँ पे पियेंगे हम कॉफी। अभी यार देखो 6 बजने वाले हैं और 6 बजे अभी, पहले सर्दियों में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और अभी नहीं हो रहा। देखो 4 बजे अंधेरा हो जाता था और अभी नहीं हो रहा, तो थोड़ी लाइट जला देते हैं। अब वीडियो सही आया यार हमारी, ठीक है आगे देखो पहाड़। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरा पति हैंडसम है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसे छोड़ो यार क्या बोलूं। आगे देखो पहाड़ आ गए, अभी पहाड़ के बीच में से जाएगी हमारी गाड़ी। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लोग अभी यहाँ पर हैरो आर्ट सेंटर है,
हैरो आर्ट सेंटर में ही था ना? हैरो सही जगह पहुंचे है ना? आई थिंक सो। एंट्रेंस कहाँ से है इसकी? पता नहीं, गौरव कह रहा था कहाँ है राहुल दुआ, कहाँ है? चलो भाई एंट्रेंस ढूंढते हैं इसकी और अंदर चलते हैं। सो दैट्स द बेसिकली शो एंड देयर यू गो। Excited? Very excited. So that's the hall where the show is gonna happen. तो बस यार वेट कर रहे हैं, राहुल दुआ आए हमें कुछ एंटरटेन करे। अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ। अभी देखते हैं यार थोड़ा भर जाएगा और थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स लेके आते हैं। तुम ले लो। क्या लेना है? शो होने वाला स्टार्ट, हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है? आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और वैसे भी लाइव रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। लाइव रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, फोटोज वगैरह देखते हैं थोड़ी खींच के। हाँ। वीडियो में डालने की ट्राई करेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो ताकि हाँ, आप स्टोरीज वगैरह देख सको। हाँ। तो अभी हम चलते हैं अंदर सीधा और वहाँ से आपको मिलते हैं उसके शो के बाद, दिखाते हैं कैसा रहा हमारा शो। तो भाई शो खत्म हो चुका है, कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग शो है एंड ही इज सो गुड। जो जोक्स है ना इस बार का जो सेट है वो बहुत अमेजिंग है। अगर आपने अभी तक अंदर बुक किया है तो कर सकते हो यार। ऑब्वियसली हमारी वीडियो तो लेट आने वाली है। ऑब्वियसली यार अंदर तो वीडियो बना नहीं सकते थे, वो मना भी कर रहे थे, तो इसलिए नहीं भी बनानी चाहिए। करना अलाउड नहीं था ऑब्वियसली यार। ये लोग सेट प्रिपेयर करके आते हैं और दे डोंट वांट इट टू बी लीक्ड एनीवेयर। बट यार बहुत मजा आया। यूके में आई थिंक पहली बार ऐसे कॉमेडी शोज हुआ है एंड वी रियली एंजॉयड इट एंड ही इज सो स्वीट। हम लोग उससे सिर्फ दो मिनट के लिए मिले होंगे बट एवरीवन वाज सो नाइस। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है दे वर आल्सो रियली नाइस। अभी हम चलते हैं यार, थोड़ा खाने पीने चलते हैं, थोड़ा भूख लग गई। दूर आए हैं, यहाँ पे इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और भूख लग रही है बहुत तेज। चलो चलो कुछ खाते हैं, बढ़िया सा है। हाँ। दाल खाएंगे आज, दाल मखनी, जैसे राहुल दुआ बोलता है दाल मखनी। मुझे खाना है बटर चिकन। बटर चिकन, चलो बटर चिकन खाए। चाहिए भाई। तो फाइनली रीच्ड मसाला एंड कोल, चले अंदर। मस्त लग रहा है ना? चलो डीजे नाइट है अंदर। तो भाई खाना खा चुके हैं, पेट हो गया फुल। और यहाँ पे ना सारे इंग्लिश गाने चल रहे थे, डीजे नाइट थी, फिर हमने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके, इनके पास एक लौता गाना होता है तो बच के रही। तो हमने कहा चला दो, हमने जाना है, चलाओ तो हम जाए। तो खाना खा चुके हैं और रेस्टोरेंट है अच्छा है यार, वाइब अच्छी है, डीजे वीजे चल रहा था, मजा आया और आप लोगों को भी मजा आया होगा यार, ज्यादा तो दिखा नहीं सके इस वीडियो में। हाँ यार ऑब्वियसली वो शूट करना तो मना था बट वी होप आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। हमारे थ्रू हम कह रहे हैं कि अच्छा शो था, तो आप मान लो कि अच्छा था। तो अभी हम अभी यहाँ पे कौन सी जगह पे, अभी हम हैरो में, यही हैरो के अराउंड ही है मसाला कोल जहाँ पे भी है। और बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें लग जाएंगे डेढ़ दो घंटे, डेढ़ घंटा लग जाएगा घर जाने में। फ्राइडे नाइट हमारी अच्छी हो गई, फ्राइडे नाइट बढ़िया हो गई है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गई, हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, थैंक यू गाइस फॉर शोइंग सो मच लव। आके उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत मोटिवेट किया, तो बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया। आपके जूस में कुछ मिलाया तो नहीं इन्होंने आज? यार मेरे को सब कह रहे हैं कि मैंने पी रखी है, मैंने नहीं पी रखी यार। नहीं आज मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। हाई ऑन हैप्पीनेस। एक तो शो बढ़िया, ऊपर से यार लोग अच्छे अच्छे मिल गए हमें वहाँ पर। हाँ। तो बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। और देखते हैं आगे कहीं कोई मीटअप अरेंज करते हैं कहीं ना कहीं, काफी लोग बोल रहे हैं मीटअप अरेंज करो। हाँ, तो करते हैं कहीं जरूर। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।